हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। तो आज के इस सेशन की बात करें जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा हाउ टू प्रिपेयर कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की बात करें जो हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उनमें देखा जाता है बहुत ही ईजी माना जाता है इसको, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको इजी मानने की वजह से इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं करते, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा, हम कंप्यूटर को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हम कंप्यूटर का ना छोड़ें, क्योंकि इतना इजी मॉड्यूल है तो इसमें हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हमारे आने चाहिए। तो आपका सबसे पहले फोकस कहाँ रहेगा, जब भी आपने कंप्यूटर पढ़ना है या जब भी आप कंप्यूटर को प्रिपेयर कर रहे हो हिमाचल प्रदेश के कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सबसे पहला जो आपका फोकस रहेगा वो ये रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की, जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम आ गया, क्लर्क का एग्जाम आ गया, ठीक है, उसके सिवा पटवारी का एग्जाम हो गया, ठीक है, तो उसके सिवा कुछ और एग्जाम भी होते हैं, जैसे JOA का एग्जाम, ठीक है, जो हमारा जूनियर ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, उसमें स्पेशल IT का एक एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर का लेवल थोड़ा अलग होता है। ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम भी होता है जिसमें कंप्यूटर का लेवल थोड़ा अलग होता है, लेकिन उन दो एग्जाम को छोड़कर बाकी सारे जो एग्जाम आते हैं जिनमें कंप्यूटर आता है उसमें मोस्टली सिलेबस आपको यही देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको उन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे हमारा BDMS हो गया, ठीक है, वो भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आपने एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, उस कंप्यूटर के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर में से आपने कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो मैं आपको ये सारा का सारा सिलेबस बता दूंगा, दूसरा इन एक एक चैप्टर में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कौन कौन सी चीजों पर आपने खास ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे इन सभी चीजों की अगर बात करें तो स्टार्टिंग करता हूं मैं यहां से, ठीक है, जिसमें आपको एक एक करके एक एक चैप्टर के बारे में बताता रहूंगा। लेकिन अगर मैं सबसे पहले बात करूं सबसे पहले चैप्टर की, जो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अगर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के अगर बारे में बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर हमारा फोकस रहेगा। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उस पर हमारा फोकस रहेगा। हिस्ट्री के बाद स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, जनरेशन। तो जनरेशन पे यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं, क्योंकि जनरेशन पर आपने खास ध्यान देना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, उनके टाइम पीरियड पर भी आपने फोकस करना है। उसके सिवा अगर टाइप्स के बारे में देखा जाए, कंप्यूटर की टाइप्स, लास्ट में अगर देखा जाए कुछ और चीज आ जाएगी तो फंडामेंटल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी इंट्रोडक्शन के कंप्यूटर में जब आप पढ़ने जाओगे तो इन पर आपने फोकस करना है। उसके बाद आपके पास क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसमें जो आपकी मेन दो चीजें रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, उस पर आपने फोकस करना है। वो आपकी कौन कौन सी रहेंगी, एक तो आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ये दो चीजें रहेंगी आपकी, जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें आपने ये दो चीजों पर फोकस करना है। अगर बात करें थर्ड की, थर्ड आपके पास कौन सा चैप्टर है, कंप्यूटर पेरिफेरल, जो ऐसे हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, तो उन चीजों पर जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट, ये उल्टा लगा दिया मैंने, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो ये आपकी किस्में रहेंगी, जो आपके पास क्या है, हमारे पास कंप्यूटर पेरिफेरल। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो उसको हम OS भी बोल देते हैं जनरली, के ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS की बात करें, तो OS की अगर बात करें जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें आएंगी, सबसे पहले जो हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रक्चर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद फंक्शंस की बात करें, फंक्शन में इसमें इंपॉर्टेंट में से रहते टाइप्स आ जाएंगी,
ठीक है, टाइप्स के बाद उसके बाद अगर टर्म्स और कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, टर्म्स भी कौन कौन सी वो चीजें भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर में आपने मेनली दो चीजें ही पढ़नी है जो सॉफ्टवेयर में आप कवर कर सकते हो इजिली कंप्लीट, जिसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ सकते हो, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर में जिन पर आप ध्यान दे सकते हो, जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें उसके बाद हमारे पास आ गया कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं, कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर मैं लो लेवल लैंग्वेज लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी हो जाती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको हाई लेवल लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्दर देखा जाए इसमें आगे जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी पूछा जाता है, जैसे एक हमारे पास टॉपिक आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से माना जाता है, जो कभी कभी बहुत रेयरली है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसका आपको रेयरली देखने को मिलेगा। उसके बाद मेमोरी स्टोरेज यूनिट, अगर मेमोरी स्टोरेज यूनिट की बात करें, मेमोरी स्टोरेज यूनिट में आपकी वो सारी स्टोरेज आ जाएंगी जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या आ गया, बिट आ गया, निबल आ गया, बाइट आ गया, बाइट के बाद आ गया आप केबी, एमबी, ठीक है, जीबी या टीबी, इन सभी के बारे में, इन सब के बीच में रिलेशन जो है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम, हाँ जी नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कम से कम दो क्वेश्चन एटलीस्ट ये माना जा सकता है कि आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बता होना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ साथ जो आपको जरूरी है वो आपका क्या है, ऑक्टल, कौन सा, OCTL, ऑक्टल नंबर सिस्टम। लेकिन इन दोनों को छोड़कर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है कौन सा, हेक्साडेसिमल, कौन सा, हेक्साडेसिमल। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो नंबर सिस्टम की बात करें तो तीनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपका क्या आता है, कन्वर्जन आती है कि आपने हेक्साडेसिमल को में चीज को कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट जैसे आप सभी को पता ही होगा, यहां पर खत्म कर देंगे लॉजिक गेट। ठीक है, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि एंड गेट हो गया, नोर गेट हो गया, ओर हो गया, ठीक है नोर हो गया, ठीक है एंड हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी ओवर हैं वो सारे के सारे हमारे लॉजिक गेट्स में आ जाते हैं। उसके बाद DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, ये आपको कोई कोई ऐसे एग्जाम होंगे जिसमें ये टॉपिक है जो कवर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम जो स्पेशल और स्पेशल कंप्यूटर ओरिएंटेड है या जो आईटी बेस है, ठीक है, उनमें ये चीज कवर हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप थोड़ा बहुत बेसिक इसका पढ़ के जाओ, आपको पता होनी चाहिए इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, इसमें आपको लेवल्स के बारे में पूछा जाएगा, लेवल्स ऑफ DBMS, ठीक है, कौन कौन से लेवल है, और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फर्दर कीस इन DBMS। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स रहेंगे जिन पर हम फर्दर फोकस करेंगे, ओके, और जहां आपने फोकस करना है जब आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MS Office, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इस पर मैं जितने स्टार लगा दूं उतने स्टार आपके लिए क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जनरली MS Office में हमारे पास तीन ऐसी चीजें आती हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सबसे पहले MS Word, MS Excel और फिर हमारे पास MS PowerPoint। वैसे तो इनसे बाहर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये तीन ही है जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर इनसे बाहर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो दो और कौन कौन सी चीजें हैं, ये तो हमारे पास आउटलुक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्सेस आता है,
तो इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी ये तीनों ही है। ओके, उसके बाद फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन हम जनरली मतलब हर किसी की फाइल एक्सटेंशन, चाहे आप ऑडियो फाइल यूज करो, चाहे आप वीडियो फाइल यूज करो, चाहे आप एक्सेल की बात करो, एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या है, वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या है, पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो जितनी भी फाइल एक्सटेंशन होगी वो सारी की सारी यहां पर कवर की जाएंगी, ए टू जेड ऑल। उन सब पर आपने फोकस करना है जितनी भी हमारे पास है। फर्दर देखिए, आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क, अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपने जो चीजों पर फोकस करना है वो कौन कौन सी चीजें रहेंगी। कंप्यूटर नेटवर्क में आपकी क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ जो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है, कौन कौन सी टाइप्स का है, ठीक है, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, या नेटवर्क की टोपोलॉजी की बात करें, ठीक है, टाइप्स की बात हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी की बात करिए। और जो ये टोपोलॉजी है इसमें आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टोपोलॉजी में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल बस की बात हो रही है, स्टार की बात हो रही है, मेश की बात हो रही है, और हमारे पास और कौन कौन से आ जाते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपके कवर हो जाते हैं जिसकी हम बात करते हैं, जिनमें क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फर्दर आगे हमारे पास देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसको ओसीआई मॉडल भी बोला जाता है। तो इस मॉडल की बात करें, वैसे आपको टॉपिक बड़ा देखने को बड़ा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इस टॉपिक में क्या होगा। इस टॉपिक में जनरली आपको आईपी मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डाटा ट्रांसमिशन के रिलेटेड, जो मॉडल के बेस में ही होता है या मीडिया के बेस में भी होता है। तो आईपी के रिलेटेड, डाटा ट्रांसमिशन जो मीडिया के रिलेटेड भी रहेगा, और यहां पर मैं ऐसे लिख रहा मोड्स के रिलेटेड भी रहेगा, मीडिया के रिलेटेड भी रहेगा, मॉडल के रिलेटेड भी रहेगा, नॉट मोड बट मॉडल के रिलेटेड भी रहेगा। फर्दर इसमें हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस भी आ जाते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, इनमें ये चीजें भी आ जाती हैं। उसके बाद इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट वैसे जननी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जिसमें हम इंटरनेट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इंटरनेट, तो ये दो चीजें हैं जिसमें इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को डिफाइन किया जाएगा, और फिर दोनों के डिफरेंस के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट इज कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग की बात करें, ये जनरली आजकल के एग्जाम के टाइम की बात करें तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। कंप्यूटर हैकिंग में जो आपसे जल्दी पूछा जाता है तो वो कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसमें अगर टाइप्स की बात करें, हाँ टाइप्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ईमेल के रिलेटेड, क्योंकि ईमेल की हैकिंग हो जाती है, पासवर्ड की हैकिंग हो जाती है, नेटवर्क की हैकिंग हो जाती है, जो हमारे पास बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग, उनकी हैकिंग हो जाती है, वो सारी की सारी टाइप्स में आ जाएंगी। और सबसे लास्ट में जो इस हैकिंग में जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, एथिकल हैकिंग। कौन सी, एथिकल हैकिंग, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन सब में। और एट द एंड एब्रीवेशन, तो एब्रीवेशन जब आप पढ़ते जाओगे वन बाय वन, तो हर चीज की आप एब्रीवेशन देखते भी जाओगे, बताते भी जाएंगे हम, अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने आप पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी, तो उसमें भी आप देखते जाओगे। वो एब्रीवेशन जो जो आप देख रहे हो ना, उसको एक अलग पेज पर नोट डाउन कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आपको पता रहेगा मैंने ये लिखा है, अगर लिखा है तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा देर रहेगी। जब आपने सिलेबस सारा देख लिया, सिलेबस है क्या, उसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट पोर्शन आपका रहेगा कि जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज आप कैसे करोगे, कि उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उन सबको उठाओगे। सबको उठाने के बाद आपका सबसे पहला फोकस किस पर रहेगा, सबसे पहला फोकस आपका रहेगा कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए। अगर कंप्यूटर की बात करूं, जनरली 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते कंप्यूटर के, 5 to 5 भी कोई कोई एग्जाम में ज्यादा है, ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे आपको कंप्यूटर के एग्जाम। उसके बाद जो आपने और एनालिस करना है, वो एनालिस क्या करना है, कि जो कंप्यूटर का पेपर आया है वो ईजी है, मॉडरेट है या हार्ड है।
तो जनरली बहुत ज़्यादा इजी ही हो जाता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को ना आए तो वो मॉडरेट लेवल में चले जाता है, लेकिन JOA IT के एग्ज़ाम में या कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में उनके लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हाई भी जा सकता है। ठीक है, अगेन अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपको हर एक क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा। ठीक है, तो एनालिसिस आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आया था 2019 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था। अगर इस एग्जाम की बात करूं तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था कंप्यूटर का जो पटवारी के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको क्या बोला जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CPU आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर और क्वेश्चंस की बात करें तो जो ये क्वेश्चन है ये कहां से आया हुआ है, ये हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था जो 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपके पूछा गया मेमोरीज के बारे में पूछा गया। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी TB KB GB and MB। अगेन इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से लेके छोटे क्रम में आपने जाना है। तो सबसे बड़ा TB, उसके बाद GB, फिर MB एंड फिर KB। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हाई कोर्ट के क्वेश्चन में से आया था। अगर हाई कोर्ट 2019 के बाद क्वेश्चन पेपर की बात करें ना, इस क्वेश्चन में इस पेपर में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे वो कितने थे, 10 क्वेश्चन थे, और 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, मतलब स्टूडेंट्स के पूरे 10 मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन DVD, DVD से ज्यादा कौन ऐसी इनमें से चीजें हैं जो डाटा स्टोर कर सकता है। DVD की बात करें तो अराउंड 4.7 GB का डाटा स्टोर हो जाता है, तो 4.7 GB का डाटा स्टोर होने के बाद DVD के बाद और ऐसी कौन सी चीजें आती हैं, CD-ROM जिसमें सिर्फ 700 MB होता है, फ्लॉपी जो सिर्फ और सिर्फ KB और MB में रहती है, जिसको अगेन DVD ही बोला जाता है, जनरली DVD R लिखा हो जाता ना, तो R हमारे पास क्या आता है, रेड रे डिस्क के बारे में बात की होती है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, ब्लू रे डिस्क की बात करें जनरली यह कितना डाटा स्टोर कर सकती है, अप टू 25 GB अगर सिंगल लेयर है। अगर यही डबल लेयर हो तो अराउंड 50 GB तक ये डाटा हमारा स्टोर कर सकती है। ओके, तो ये मतलब बेसिक जब क्लियर होगा तभी ये सारी चीजें पता होंगी। एमएस वर्ड इसे एग्जांपल ऑफ, एमएस वर्ड किसकी एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रोचिंग डिवाइस नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, कोई काम नहीं करता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर एमएस ऑफिस की बात करें, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सारे अलग अलग आ जाते हैं। Using Microsoft Word we can simplify, हमारा कौन कौन सा काम सिंप्लीफाई हो जाता है, पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं हम, फॉर्मेटेड टेक्स्ट बहुत इजी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मतलब सारे फंक्शन हम काम कर सकते हैं। ओके, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को और क्या बोला जाता है, राइट आंसर इज वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है रैम को, रैम को क्या बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो अगर मैं यहां पर एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर रैम को यह बोला जाता है, बताओ रोम को क्या बोला जाता है, तो ये सारी चीजें तभी पता होंगी अगर आपने कुछ पढ़ा होगा। अगेन कंप्यूटर को बहुत इजी ना माने, थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाओ, ठीक है, तो आप जल्दी इजी वे में, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप राइट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, अब पढ़ना कैसे है, मैंने ये तो बता दिया सिलेबस है, हमने एनालाइज करना है, फिर उसके बाद हम देख के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, देखो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी करो, आप क्या करो, सेल्फ स्टडी के लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक बुक ले लो जिसको आप फॉलो करो, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हर एक बुक में, मतलब कंप्यूटर तो सेम ही है ना, कंप्यूटर है क्या, अगर कंप्यूटर की अगर बात करें, कंप्यूटर पूरा सब्जेक्ट ही बात करें तो ये नॉलेज बेस्ड है हमारा, ये सब्जेक्ट ही बात करें नॉलेज बेस्ड, जितना आपको पता होगा उसी बेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोई भी एक बुक आप, जो भी आपके पास घर में पड़ी है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी एक बुक पड़ी है उस बुक को यूज करो, उस बुक में से आप नोट्स बनाओ अपने,
ठीक है, कुछ की पॉइंट्स यूज करो। अगर बुक से एक्स्ट्रा भी आप कहीं जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो जहां से आपको कुछ अच्छा मटेरियल मिल रहा है और वहां से आप देखकर अपना काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, यूट्यूब चैनल कुछ ऐसा पिक करना कि आपका ऐसा हो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए। वन स्टॉप सॉल्यूशन से मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर के लिए वो चैनल फॉलो करो, मतलब कुछ ऐसा चैनल जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड चीजें मिलती रहें और आप एक ही चैनल से सारा का सारा गेन कर लो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जिसकी वजह से आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश जो हमारा चैनल है, जिसमें हम ये सारे के सारे अलग अलग मॉड्यूल हैं जो वो सारे के सारे कवर करवाएंगे और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उन पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, चले फिर, तो आप अपनी तैयारी करते रहना, एग्जाम जब भी आए उसका हमने वेट नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तैयारी आपको रेगुलर करनी पड़ती है, आप क्या कहते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, ऐसा नहीं है आप ऐसे बैठे रहे और एकदम यहां पहुंच जाओगे, नहीं आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे वन डे बाय डे वन बाय वन। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।